إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال جل شأنه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقال الله جل شأنه أيضا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قبل احترام حاضرين جمعة سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہمہ قسم کی نعمتیں رحمتیں برکتیں نازل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے اور جن پر درود و سلام جمعہ کے افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے صلوات ربی و سلامہ علیہ معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے تین مختلف سورتوں کی آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی سب سے پہلے تو میں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار لآیات کہ اللہ نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا دن و رات کی اللہ نے جو ایک گردش بنائی ہے اس میں اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں بڑی عبرتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں بڑے سبق اس میں اللہ نے رکھے ہیں
ये सबक किसके लिए हैं? लिउलिल अलबाब, जो अक्लमंद हैं, अपनी अक्ल सलीम का इस्तेमाल करते हैं। और इन अक्लमंदों से मुराद कोई ऐसी अक्लमंदी नहीं है कि बंदा कोई अपनी पढ़ाई लिखाई में बड़े ऊंचे मर्तबे पे पहुंचा हुआ हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल किए हुआ हो, बहुत ज्यादा समझदार, चालाक, होशियार हो, नहीं, बल्कि हर वो इंसान जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है, जो अपनी इस अक्ल से अपनी असल को, अपनी मकसद जिंदगी को और अपनी अक्ल सलीम से इस कायनात को देख सकता हो, वही बहुत काफी है। पढ़ने लिखने की बात करें तो इससे बढ़कर क्या दलील होगी कि इस उम्मत के ताल्लुक से, खुद अपने ताल्लुक से नबी करीम अलैहिस्सलाम से जैसे वारिद है, इन्ना उम्मतुन उम्मिया ला नक्तुब वला नहसब, कि हम वो कौम हैं जो पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं जानती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम न लिख सकते थे न पढ़ सकते थे, लेकिन आपसे बढ़कर कोई और अकलमंद नहीं हो सकता। उम्मत में कई ऐसे लोग होंगे और थे अगरचे कि जिनको पढ़ने लिखने में उतनी महारत न थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको अक्ल सलीम अता की थी। अक्ल सलीम यह है कि इंसान अपनी मकसद तखलीक को पहचाने, अपने मकसद तखलीक को पहचाने कि वो किस लिए पैदा किया गया, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, किसने कायनात बनाई, कौन इबादतों का हकदार है, कौन ऐसी जात है कि जो हुक्म दे तो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता, किसने इतना बेहतरीन निजाम बनाया, दिनों रात बनाए, आसमानों जमीन बनाए, जमीन और पहाड़ बनाए, समंदर बनाए, नदियां बहाई, इस पर थोड़ी सी गौर फिक्र कर ले तो ये बहुत काफी है। और इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी इबरतें रखी हैं। मौजूदा हाजरीन, इस कायनात के चलाने का एक निजाम अल्लाह ने रखा है। मौसमियात के अपने निजाम हैं। अल्लाह ताला ने चार मौसम बनाए, जो साल भर में चार मौसम एक गर्दिश में लगे रहते हैं। मौसम बहार, मौसम खिजां, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, अगर बंदा इस पर गौर फिक्र करे तो अल्लाह ने इसमें बड़ी नसीहतें, बड़ी इबरतें रखी हैं। और जब इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आ जाए कि उसे किस लिए पैदा किया गया है, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो अपने साथ पेश आने वाले हर मुआमले, हर वो चीज जिस पर इसकी नजर पड़े, हर वो हैसियत जो उसको मिले, हर वो मिल्कियत जिसका वो मालिक बने, उन तमाम को बड़े ही अच्छे अंदाज से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मौजूदा हाजरीन, ये बात हमसे पोशीदा नहीं है कि अगर किसी को खेल कूद पसंद हो तो वह अपनी पढ़ाई लिखाई में भी खेल कूद निकाल लेता है और अपनी संजीदा चीजों में भी खेल कूद का कोई रास्ता निकाल ही लेता है। और जिसको अपनी जिंदगी का मकसद पता हो कि मुझे अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, क्या नेक अल्लाह की इबादत करें,
उसकी रजामंदी हासिल करने की कोशिश करें तो अपनी सुबह शाम को, अपने माल को, अपनी सेहत को, अपनी सलाहियतों को और अपने अंदर आने वाली तमाम मिल्कियतों को किस तरीके से वो इस मकसद में इस्तेमाल कर सकता है वो अच्छे से जानता है। जिसके सर पे जो धुन सवार हो वो हर चीज को उसी तरफ रुख दे देता, उसी तरफ मोड़ देता है। तो मौजूद हाजरीन, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, तो मौसमों में चाहे जो मौसम हो अल्लाह ताला ने इबादतों के रास्ते हमेशा खुले रखे हैं। कुछ मौसम कुछ इबादतों के लिए बड़े मुफीद होते हैं, कुछ मौसमों में कुछ और इबादतें बड़े अच्छे अंदाज से हो सकती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से सर्दी का मौसम, इसके ताल्लुक से अगर हम शरीयत में देखें तो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने एक हदीस नकल की है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आमिर इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल गनीमतुल बारिदतु अस्सौम फिल शिता, कि ठंडी गनीमत जो बगैर तकलीफ के, बगैर मेहनत के, बगैर पसीना बहाए के बड़ी आसानी से इंसान को गनीमत हासिल हो जाती है, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए मौसम सर्दी के रोजे हैं। सर्दी के मौसम में रोजे एक मुसलमान के हक में एक बड़ी बेहतरीन गनीमत हैं। गनीमत कहते किसे हैं कि दो कौमों की आपस में जंग हो और उसके बाद सामने वाली कौम शिकस्त खाए फिर उसका मालो मता इनके हिस्से में आ जाए, गनीमत कहलाता है। और अगर यही गनीमत, यही मालो मता बगैर मेहनत के, बगैर पसीना बहाए के किसी को हासिल हो जाए तो कहते हैं गनीमत बारिदा, बड़ी ठंडी गनीमत है, बगैर मेहनत के हासिल हुई गनीमत है। मौजूद हाज़रीन, आप लोगों ने गर्मी के रोजे देखे हैं, गर्मी के रोजों में जो रोजेदार को तकलीफ महसूस होती है, भूख की हो, प्यास की हो, पसीने पे उठते हैं, दिन का वक्त लंबा हो जाता है, बड़ी तकलीफ के साथ इंसान अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए अपने रोजों को मुकम्मल करता है तो उसे तकलीफ उठानी पड़ती है, प्यास की शिद्दत सहनी पड़ती है, भूख की तड़प को बर्दाश्त करता है, तब जाकर के रोजे की फजीलत उसे कहीं हासिल हो पाती है। और इसके मुकाबले में मौसम सरमा के रोजे के जिसमें दिन की घड़ियां मुख्तसर हो चुकी होती हैं, दिन का वक्त रात के मुकाबले छोटा हो चुका होता है, ऐसे वक्त में इंसान रोजा रह जाए, रोजा रह करके सुबह से शाम तक इबादत की हालत में वो रहे, बहुत ज्यादा भूख भी उसे नहीं सताएगी, बहुत ज्यादा प्यास उसे नहीं तड़ पाएगी, बड़ी आसानी से वो रोजा मुकम्मल कर सकता है, तो कहते हैं कि अल गनीमतुल बारिदा, बड़ी ठंडी गनीमत है। तो मज़ा साजरीन, हम मुसलमानों के लिए ये सर्दी का मौसम, ये ठंडी का मौसम जो अपने जिंदगी के मकसद को अपने सामने रखा हो, बड़ा बेहतरीन मौसम है। सलफ सालेहीन से मुताल्लिक आता है कि वो इस गनीमत को बड़ा ही बेहतर समझा करते थे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, अश्शिता गनीमतुल आबिदीन, इबादत करने वालों की गनीमत ये मौसम सर्दी है। मौसम सर्दी है, इबादत करने वालों के लिए गनीमत से कुछ कम नहीं है। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहा करते थे, निअम ज़मानुल मुमिन अश्शिता, के सर्दी का मौसम एक मुमिन के लिए बड़ा बेहतरीन मौसम है, बड़ा बेहतरीन वक्त है, बड़ी बेहतरीन घड़ियां हैं। नहारुहु कसीरुन यसूमुह,
इसके दिन छोटे होते हैं और ये बड़ी आसानी के साथ रोजा रह लेता है। तो मज़ा साजरी, अभी हम सर्दी के मौसम से गुजर रहे हैं और चंद दिनों से तो बड़ी मुश्किल से सूरज नजर आता है, सूरज में वो गर्मी नहीं है, मौसम में वो गर्मी नहीं है, बड़ी आसानी से दिन गुजरने लगा है। तो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी गनीमत का मौका है कि वो इन दिनों में रोजे रह जाएं। किसी के कज़ा रोजे हों, ये बेहतरीन मौसम है कज़ा करने के लिए। किसी के नजर के रोजे बाकी हों, नजर और मन्नतों के रोजा पूरा करने के बेहतरीन दिन है। और अगर कोई नफिल रोजा रखना चाहता हो, यह बेहतरीन दिन है कि नफिल रोजे रह जाएं। अगर किसी को रोजे का काफी शौक है तो सौम दाऊदी रख ले इन दिनों में, एक दिन रोजा रहे, एक दिन रोजा छोड़े, एक दिन रोजा रहे, एक दिन रोजा ना रहे। या फिर पीर जुमेरात के रोजों का एहतमाम करें, इन दिनों में पीर और जुमेरात के रोजे का एहतमाम करें। या और अगर वो भी मुमकिन ना हो तो कम से कम महीने के 3 रोजों का एहतमाम कर लें। नबी करीम अलैहिस्सलाम की अपने सहाबा को वसीयत रही थी कि महीने में 3 दिनों के रोजे रह लिया करो। तो मसाजरीन, इस मौसम को गनीमत समझें, इस मौसम को गनीमत समझें। अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ मौसम बनाए हैं, हर मौसम अपनी जगह इंसान के लिए बड़ा मुफीद है, उसके बदन के एतबार से, सेहत के एतबार से, और वहीं पर उसकी इबादतों के एतबार से, अल्लाह की इतातों के एतबार से बड़े बेहतरीन मौसम अल्लाह ने रखे हैं। तो मौसम रोजों के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए बड़ा बेहतरीन मौसम है। अब से लेकर के सर्दी के खत्म होने तक रोजों का एहतमाम कर लें। और यह कोई गलत बात नहीं है कि मौसम के एतबार से आप रोजा रह जाएं, मौसम खत्म हो जाए तो आप रोजा ना रहें, कोई हरज की बात नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जिन औक़ात में कोई अमल कर लिया जाता है वैसे बेहतरीन मौका है। और अगर हो सकता है कि कोई इन दिनों में रोजों की आदत डाल ले, पीर जुमेरात के रोजे रहने लगे, या फिर महीने के 3 रोजों की आदत डाल ले, हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके साल भर हर महीना 3-3 रोजों की तौफीक लिख दे। हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको जिंदगी भर हर माह 3 महीने रोजे रखने की तौफीक लिख दे, यह ऐन मुमकिन है। और अगर कोई बंदा महीने में 3 दिन के रोजों की पाबंदी कर ले तो उसकी सारी जिंदगी भर रोजों का सवाब अल्लाह ताला उसे अता करेंगे। और मौसम हाजरीन, ये जो गनीमत का मौका है मौसम सर्दी, इसमें एक और गनीमत है जिसको कि हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं, निअम ज़मानुल मुमिन शिता लैलुहु तवीलुन यकूमुहु, कि इन दिनों में रातें लंबी हो जाती हैं, दिन के घंटे मुख्तसर हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, रात बड़ी लंबी हो जाती है। और जिनको क़ियामुल लैल करना है, रात में अल्लाह के लिए कुछ देर ठहर करके अल्लाह की दरबार में अपने गुनाहों को पेश करके मुआफ़ी करवानी है, इस्तिग़फ़ार करवाना है, बड़ा बेहतरीन मौका है। अल्लाह की खातिर उठ करके 2 रकात नमाज पढ़ लें, क़ियामुल लैल कर लें, तहज्जुद पढ़ लें, यह बेहतरीन मौका है। और बड़ी फजीलतें क़ियामुल लैल की हैं। आप लोगों में से अक्सर को पता होगा कि क़ियामुल लैल एक बड़ा ही बेहतरीन अमल है। रात की नमाज के इशा की नमाज पढ़ लेने के बाद बंदा फजर की नमाज से पहले अल्लाह ताला की खातिर 2 रकात हो, 4 रकात हो या 8 रकात हो, क़ियामुल लैल के नाम पर पढ़ ले। यह मौसम सरमा की बड़ी बेहतरीन गनीमत है। इंसान अपनी पूरी नींद मुकम्मल करते हुए, पूरी नींद लेते हुए कुछ मिनट बड़ी आसानी के साथ अल्लाह ताला की खातिर निकाल सकता है, इस मौसम सरमा में क़ियामुल लैल का एहतमाम कर सकता है। इसकी भी कोशिश होनी चाहिए, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो रहा था, रूह निकलने के करीब थी, रो रहे थे। किसी ने पूछा कि क्या बात है कि आप रो रहे हो, तो कहने लगे कि देखो मैं इस बात पे नहीं रो रहा हूं कि मौत आ रही है, और ना इस बात पे मुझे रोना आ रहा है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, बल्कि मुझे रोना इस बात पे आ रहा है, अला ज़म इल हवाज़िर व क़ियाम लैलिश शिता,
कि दोपहर के वक्त रोजा रहते हुए प्यास को बर्दाश्त करने की ये जो लज्जतें मुझसे छूटे जा रही हैं, सर्दी के मौसम में क़ियामुल लैल जो मुझसे छूट रहा है, इसका मुझे बड़ा अफसोस है, इस पर मैं रो रहा हूं। यानी एक मुसलमान को इबादत करते हुए लज्जत नसीब होती है, एक मिठास उसे मिलती है, एक मीठा सा एहसास उसके अंदर पैदा होता है। अल्लाह की खातिर जब भूख और प्यास को बर्दाश्त करे उसे लज्जत और खुशी महसूस होती है, और जब सर्दी की रातों में उठकर के अल्लाह की खातिर नमाज की पाबंदी करे, क़ियामुल लैल करने लगे, ये यकीनन उसके लिए बड़ा लज्जत वाला अमल है कि वो है उसका रब है, उन दोनों के दरमियान कोई और नहीं है, न कोई देखने वाला, न कोई बीच में खलंदाजी करने वाला, वो है उसका रब है, अकेले में अपने रब से जो मांगना हो मांग ले, जो कहना हो कह ले। इसके छूटने पर मुझे रोना आ रहा है। तो मस्जिद हाजरीन, क़ियामुल लैल की पाबंदी हो सकती है, क़ियामुल लैल किया जा सकता है, ये बड़े बेहतरीन दिन हैं जिसकी रातें बड़ी लंबी हैं। और आम तौर पर लोग बजाय इसके कि अपने औकात गलत रास्तों पर गलत तरीकों से गुजारें, अपने घरों में आ जाएं, सोने का अहतमाम करें और फज्र से थोड़ा सा पहले उठ करके इत्मीनान से एक दो रकात ही सही अल्लाह ताला की खातिर पढ़ ले, क्योंकि ये इबादतें अल्लाह ताला को बड़ी पसंद हैं, ये इबादतें अल्लाह ताला को बड़ी पसंद हैं। तो मौजूद हाजरीन, इस मौसम सरमा को गनीमत समझें, इस मौसम सरमा को गनीमत समझें, मौसम सर्दी को गनीमत समझें, गनीमत समझकर अपने कुछ रोजों में इजाफा कर लें, क़ियामुल लैल में कुछ इजाफा कर लें। और जैसा मैंने कहा कि मौसम के एतबार से आप कुछ इबादतें कर लें, बाद में इबादतें ना करें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और यह भी मैंने कहा कि हो सकता है इन मौसम की, इन दिनों की इबादतें अगली जिंदगी में आपको और नेक बना दें, नेकियों का आदि बना दें, नेकियों की अल्लाह ताला तौफीक नसीब कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मौसमों के खैरात व बरकात को हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म्बिन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल ग़फूरुर रहीम। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرین نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ألا أدلكم على يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، कि क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊं कि जिसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, धो देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेगा, तुम्हें ऊंचा उठाता जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें ज़रूर बताएं वो क्या बातें हैं कि जिससे हमारे दर्जात की बुलंदी हो, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो। तो आपने कुछ बातें बताईं, उसमें से एक ये बताया कि इस्बाग़ुल वुज़ू अलल मकारिह, तकलीफ़ के मौके पर भी मुकम्मल आप वुज़ू करें, इस्बाग़ुल वुज़ू मुकम्मल आप वुज़ू करें, यह अल्लाह को बड़ा पसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला इसके जरिए आपके गुनाहों की मग़फ़िरत करेगा, आपके दर्जात की बुलंदी करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। इस्बाग़ुल वुज़ू, जैसे वुज़ू आप अपने हाथ को एक मरतबा धो लें, चेहरे को एक मरतबा धो लें, एक मरतबा कुल्ली कर लें, एक मरतबा पैर धो लें, बिल्कुल यह वुज़ू काफ़ी है, ये बिल्कुल शरई वजू होगा, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। या एक मरतबा आप हाथ धोएं, दो मरतबा आप मुंह धोएं, तीन मरतबा आप पैर धोएं, तरतीब में ऊंच नीच कर लें, ये भी बिल्कुल जायज है। इस बागुल वजू ये है कि आप अपने हर उज्व को तीन तीन बार धोएं, हाथ तीन मरतबा धोएं, तीन मरतबा कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाएं, तीन मरतबा चेहरा धोएं, तीन मरतबा कोहनियों तक हाथ धोएं, तीन मरतबा पैर धोएं,
और अच्छे से रगड़ करके धोएं, साफ करके धोएं, पानी को बदन के हिस्से तक अच्छे से पहुंचा करके धोएं, ये इसबाग है, ये इसबागुल वुजू है। ये वुजू को मुकम्मल अंदाज से करना है कि तीन तीन मर्तबा करें और अच्छे से रगड़ करके साफ अंदाज से करें, तीन से ज्यादा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगरचे पानी की कसरत आपके पास है, आपके पास पानी बहुत है, आपके पास वक्त बहुत है, लेकिन शरीयत ने गुंजाइश सिर्फ तीन तक की रखी है, तीन से ज्यादा नहीं किया जाता, तीन से ज्यादा नहीं किया जाता। तो तीन मर्तबा अच्छे से धोना, रगड़ करके धोना, इसबागुल वुजू कहलाता है। और यहां पर अल्लाह के नबी ने मजीद कहा, इसबाग़ुल वुज़ू अल मकारह। मकारह का एक माना यह भी है कि सख्त सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तबीयत नहीं चाहती है कि उठ करके ठंडे पानी से वजू करें, लेकिन अल्लाह की खातिर उठ करके, अल्लाह की खातिर उठ करके ठंडे पानी से वजू करें, अच्छे से वजू करें, तीन तीन मर्तबा धोए, रगड़ करके धोएं, यह अल्लाह को बड़ा पसंदीदा अमल है, अल्लाह को बड़ा पसंदीदा अमल है। और अल्लाह ताला इसके जरिए दर्जात बुलंद करते हैं, गुनाहों को माफ करते हैं। तो मौसम साजरीन, ये मौसम सरमा है, इसमें ये काम किया जा सकता है। जिसके सेहत का कोई मसला नहीं है, जिसको साइनस वगैरह की शिकायत नहीं है, या जिसकी सेहत माशाल्लाह तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि इस गनीमत को लें, अपने दर्जात की बुलंदी का जरिया बनाएं, अपने दर्जात को बुलंद करें, अपने गुनाहों की मगफरत करवाएं, अल्लाह को बड़ा पसंद है। इसबाग़ुल वुज़ू अल मकारह, कि ठंडी के मौसम में उठकर के आप मुकम्मल अल्लाह की खातिर वुजू करें। मुसाफिरीन, हां, गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल सही है, जायज है, कोई हर्ज की बात नहीं। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु, और इसी तरीके से कई सहाबाए किराम, मुख्तलिफ अइम्मा किराम के अकवाल और फतावा साबित हैं कि गर्म पानी से वजू किया जा सकता है। अगर आपको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, कोई बात नहीं, गर्म पानी से वजू करें, मुकम्मल वजू करें, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें, लेकिन ठंडे पानी से वजू करके सेहत को नुकसान पहुंचाए बगैर ठंडे पानी से वजू करना ही अल्लाह को ज्यादा पसंद है। और अगर सेहत को नुकसान पहुंच सकता हो तो अपने सेहत को खामखा खतरे में न डालें, बल्कि हालात के एतबार से जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना मअल उस्री युस्रा, फइन्ना मअल उस्री युस्रा। अल्लाह ने जैसे कहा कि देखो, तंगियों के साथ आसानियां आ ही जाती हैं, जहां तंगियां हो वहां रुख्सतें मिल जाती हैं, छूट मिल जाती है। सर्दी का मौसम है, कोई शख्स बीमार है, पानी में हाथ डाल दे तो छींकें शुरू हो जाएंगी, पानी गर्म करके वजू कर ले। या कोई सख्त बीमार है, बीमारी की हालत में वजू करेगा, या बाज़ औक़ात गुस्ल की जरूरत होती है, गुस्ल करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, बीमारी यकीनी है, तो ऐसी सूरत में शरीयत की समाहत, शरीयत की नरमी, शरीयत की आसानी को देखें कि शरीयत ने यहां पर इस बात की इजाजत दी है कि आप अपने वुजू के बजाय तयम्मुम कर लें, गुस्ल के बजाय तयम्मुम कर लें, आपकी नमाज सही हो जाएगी। गालिबन अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हुमा एक मरतबा अपने किसी सफर पे थे, ठंडी की रात थी, जुनूबी हो गए, गुस्ल वाजिब हो गया था, उन्हीं को इमामत करानी थी, बजाय इसके गुस्ल करें तयम्मुम कर लिया और नमाज पढ़ा दी। अल्लाह के नबी को बात पहुंची तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने तयम्मुम करके नमाज पढ़ा दी, तुमने गुस्ल नहीं किया। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तख्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा, कि तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, अल्लाह तुम पर बड़ा रहम करने वाला है। ये आयत मुझे याद आ गई, और बड़ी सख्त सर्दी थी, अगर मैं गुस्ल करता तो नुकसान हो जाता, सर्दी कड़ाके की थी, अल्लाह के नबी इस आयत को सामने रखते हुए मैंने तयम्मुम कर लिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और आपने कुछ नहीं कहा। ये हदीस तकरीरी कहलाती है कि अल्लाह के नबी की जिंदगी में, आपकी मौजूदगी में आपके सामने कोई काम किया जाए और अल्लाह के नबी उस पर इनकार न करके खामोश हो जाएं, ये हदीस तकरीरी है। तो इससे इस बात का पता चला कि जिस आदमी को बीमारी का सख्त डर हो, उलमा के फतावा है कि जिस आदमी को बीमारी का सख्त डर हो, वो ऐसे हालत में
بجائے اس کے کہ غسل یا وضو کرے تیمم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو مشقتوں میں ڈالنا نہیں چاہتا، ولا یرید بکم العسر۔ یہ موسم سرما کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اسی طریقے سے موسم سرما کے احکام میں یہ بھی ایک حکم ہے کہ آپ اپنے موزوں پر، اپنے ساکس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھروں پہ، جیسے اپنے شہر میں ہیں، کسی سفروں پر پہ نہیں ہیں، تو ہم نے ایک وضو کر لیا، وضو کر کے ہم نے ساکس پہن لیے، چاہے رات کو پہنے ہوں چاہے دن کو پہنے ہوں، اور ایک مرتبہ ہم اس پر مسح شروع کر دیں تو مکمل 24 گھنٹے تک، ایک دن ایک رات تک بغیر ساکس اتارے کہ ہم پر صرف مسح کرنے کی اس کی شریعت نے اجازت دی ہے ہمیں۔ میں اس کو مثال میں ایسے کہوں کہ کسی آدمی نے مثال کے طور پر صبح آفس جاتے ہوئے صبح 10 بجے اس نے وضو وغیرہ کیا، ساکس پہن لیے، چلا گیا اپنے آفس کو، ظہر کی نماز کا وقت آیا، ظہر میں اس نے وضو کیا، اپنے ساکس نکالنے کے بجائے اس نے اس پر مسح کر لیا۔ مسح یہ ہے کہ اپنے قدم پر ہاتھ بس ایسے پھیر لے، 3-4 انگلیاں ایسے پھیر لے، بس یہی کافی ہے قدم کے اوپری حصے پر۔ اب ظہر کی نماز جب سے اس نے پڑھی ہے اس وقت سے لے کر ایک دن ایک رات مکمل، یعنی مکمل 24 گھنٹے دوسرے دن صبح تک اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے موزوں پر مسا کر سکتا ہے، ساکس پر مسا کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو آ کر وہ سوئے، پھر فجر کو اٹھے، سخت سردی کا موسم ہو، صرف اپنے ہاتھ پیر دھو لے، اپنے ہاتھ اور منہ دھو لے، پھر اپنے پیر پہ مسح کر لے، ساکس پہن کے رات اس نے گزاری ہے، ساکس اتارے نہیں تھے، شریعت میں چھوٹ ہے، شریعت میں اجازت ہے، اور ایسے سردی کے موسم میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی قصدن رات میں وضو کر کے سوئے صبح فجر میں تاکہ پیر دھونے کی ضرورت نہ پڑے، بالکل چھوٹ ہے، اسے اجازت ہے۔ اور مسافروں کے لیے اللہ نے مزید 3 دن 3 رات کی اجازت دی ہے، یعنی ایک مسافر ایک مرتبہ ساکس پہن لے تو مکمل 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے اپنے پیروں پر، ساکس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑی سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ اور اگر سخت سردی ہو، کوئی بندہ ساکس پہن کے، دستانے پہن کے نماز پڑھنا چاہے، اس کی بھی اسے اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ جیسا کہ قاعدہ ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، جہاں بھی کوئی عمل میں مشکل پیش آئے، شریعت میں عبادتوں پر، عبادتوں کی برابری میں، عبادتوں پر عمل کرنے میں، عبادتوں کے انجام دینے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو شریعت نے وہاں پر کوئی نہ کوئی گنجائش ضرور رکھی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ احکامات یا کچھ باتیں میں نے موسم سرما کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یاد رکھیں، ہر موسم کے اعتبار سے اللہ نے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی چھوٹ دے رکھی ہے، ہر موسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی فضیلتیں اور اس میں بڑی کامیابیں اور اس میں کامیابی کے راستے اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اس موسم سرما کی غنیمت کو سمجھیں، اس موسم سرما کا استعمال کریں، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزوں کے ذریعے گزارنے کی کوشش کریں، مہینے میں 3 روزے رہ جائیں، پیر جمعرات کے روزہ رہنے کی کوشش کریں یا صوم داؤدی کی کوشش کریں، جس کو جو سہولت ہو، میسر ہو، وہ کر لے۔ اور اس کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرے، اللہ کی خاطر 1-2 رکعت نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز سے پہلے تک اس کا وقت ہے، عشاء کے فوری بعد آپ پڑھ لے، درمیانے رات میں آپ پڑھے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے آپ پڑھے، الحمدللہ پوری چھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غنیمتوں کے استعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے ہر پلی، ہر گھڑی کو، ہر پل کو ہمارے لیے اللہ کے نزدیک قربت حاصل کرنے کا، اس کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر کے اسی کی تگو، اسی کے پیچھے لگے رہنے، اسی کے حصول کی تگو دو کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، منہج سلف پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا
خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئی خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.